सर इमरान खान कहते हैं कि माइनॉरिटीज़ को कैसे रखा जाता है वो ये बताएंगे इंडिया में। देखिए सर, अपने घर में बैठे होंगे, अपने ड्राइंग रूम में बैठे होंगे, या अपने किसी बाहर जाके बात कर रहे होंगे, तो उनको बोलने दीजिए, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। मगर खुद के आंगन में देखना चाहिए कि उन्होंने अल्पसंख्यकों को कैसे ट्रीट किया हुआ है, कितनी जनसंख्या या कितने प्रतिशत हिंदू या सिख थे बंटवारे के बाद, और अब कितने प्रतिशत हैं, उस पर उनके आंकड़े उनको मंगवाने चाहिए, अपने ऑफिशियल से उनको पता करना चाहिए भी कितने 1947 में जब विभाजन हुआ था तो कितने हिंदू, कितने सिख, कितने ईसाई पाकिस्तान में थे, कितने प्रतिशत थे और अब कितने प्रतिशत रह गए। और दूसरा मैं उनसे कहना चाहूँगा कि रिंदे खराब हाल को जाहिद ना छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी नबेड़ तू। ये सारे डर मोदी जी के आने के बाद ही लगने शुरू हुए हैं, वरना ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मेरी यूनिटी के लोग हैं, मेरी फ्रेटर्निटी के लोग हैं, मैं उनके नाम लेकर या उनके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ, मगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस देश में टेररिस्ट अटैक से पकड़े गए थे, उनको फांसी की सज़ा हुई थी, और उनको फांसी की सज़ा ना हो उसकी गुहार लेके रात को 2:30 बजे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। कश्मीरी हिंदुओं को 4 लाख फैमिलीज़ को रातों रात निकाल दिया, उसके बारे में बात ही नहीं करते, उसमें उनको माइनॉरिटी नज़र नहीं आती है। कश्मीरी पंडित जो हैं वो कश्मीर में माइनॉरिटी थे ना, अब तो 0% रह गए या 1% रह गए, उसमें किसी को नज़र नहीं आई, तो ये इसको चलते रहने। हिंदुस्तान में क्या मुसलमान बड़ी बात है हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए, GST से जो बहुत रिलीफ मिला, क्योंकि हमारे फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ लोगों का मनोरंजन नहीं करती है बल्कि पर्यटन के लिए, आर्थिक फायदों के लिए भी बहुत ज़्यादा जनरेट होता है हमारी हमारे वजह से, फिल्मों की वजह से।